सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जी? बिल्कुल, शुक्र। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। फिर कितने लोग आ चुके हैं अभी तक? 1 2 3 4। ठीक है, चलो बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आपको वाइट बोर्ड भी और जो स्क्रीन है, जो क्या नाम है, ये स्लाइड डॉक्यूमेंट, ये करेक्टरिस्टिक यस आपको सर, विजिबल और है। ठीक है, आवाज़ भी क्लियर है? ठीक यस सर। तो आज हमारा लेक्चर 6 है। दिस इज लेक्चर 6 ऑफ वीक 3, एंड दीज आर द टॉपिक्स दैट आई वुड लाइक टू कवर इन टुडेज क्लास। वन इज द डायोड करेक्टरिस्टिक, इसको फर्दर हम एलोबरेट करेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू डायोड। आपने सॉरी, सर वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? का शुक्र सर। हाँ ठीक है, गुड। अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज की जो क्लास है उसमें हमने ये टॉपिक्स कवर करना है जिसमें लास्ट टाइम हम डायोड करेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट किए थे, और इसमें हम इसको आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट ना, डायोड के मॉडल्स हमने स्टडी करना है। डायोड जो करेक्टरिस्टिक है उससे मॉडल्स हमने डेवलप करने हैं। जो अभी आपको राइट साइड के ऊपर जो ग्राफ नज़र आ रहा है डायोड करेक्टरिस्टिक का, जो कि ब्लू कलर में, ये जो प्लॉट है ये डायोड के बिहेवियर को इंडिकेट कर रहा है। लास्ट टाइम हमने कहा था कि जो ये रिलेशन डायोड का बिहेवियर है, ये एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप है डायोड की वोल्टेज और करंट के दरम्यान। ठीक है, तो इसको हम नॉन लीनियर जो बिहेवियर है इसको हमने शॉकले इक्वेशन से डिफाइन किया था, और शॉकले इक्वेशन एक्सपोनेंशियल उसमें टर्म आती है, ठीक है, जो कि एक नॉन लीनियर फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल इट्स नॉन लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो इस नॉन लीनियरिटी की वजह से डायोड का जो एल्गोरिथम, उस कॉम्प्लेक्सिटी को फील भी करेंगे। मैं आपको एक सिंपल सर्किट दूंगा जिसमें कि आप डायोड को सॉल्व करेंगे, डायोड में से वोल्टेज और करंट को कंप्यूट करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि वंस द रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर, देन हाउ मच डिफिकल्ट इट वुड बी टू एनालाइज द डायोड सर्किट्स। ठीक है, बट इफ यू रिड्यूस द नॉन लीनियरिटी एंड डिवेलप सम डायोड मॉडल्स, और हम देखेंगे डायोड के कुछ इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल्स हैं जो कि इन नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिकली लीनियराइज कर देते हैं। ठीक है, मॉडल्स बेसिकली नॉन लीनियर को लीनियर बना देते हैं, और उसकी वजह से आपके जो डायोड सर्किट्स हैं उनको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप रेजिस्टेंसेस अगर हो सर्किट में तो उनको आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं, केवीएल केसीएल वगैरह लगा के। डायोड अगर सर्किट में प्रेजेंट हो तो उसको भी आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह से आप रेजिस्टर को सॉल्व करते हैं, क्योंकि डायोड का जो मॉडल है
उसमें उसका एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी मॉडल होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि जो डायोड का मॉडल होगा, इक्विवेलेंट मॉडल, उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे या तो एक बैटरी के साथ, ठीक है ना। एक मॉडल ये है सिंपल मॉडल 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो डायोड वुड बी मॉडल्ड एज 0.7 वोल्ट बैटरी, ठीक है। ये 0.7 वोल्ट कहाँ से आ रहे हैं? ये वो आ रहे हैं जबकि डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है 0.7 के ऊपर जाके, तो ये कंडक्ट करता है और एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो डायोड को हम उसकी नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को हम एक सिंपल मॉडल में, जो कि सिंप्लीफाइड मॉडल है, 0.7 की बैटरी के साथ इसको रिप्लेस कर देते हैं उस वक्त जब डायोड कंडक्शन में होते हैं, जब 0.7 वोल्ट से उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाइड होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो मॉडल है उसमें एक रेजिस्टेंस भी आ जाती है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को कहते हैं आर एवरेज, ठीक है। तो अब अगर डायोड को मैं रिप्रेजेंट कर दूँ एक रेजिस्टेंस के साथ और एक बैटरी के साथ, ठीक है, और सर्किट में इसको डायोड को इससे रिप्लेस कर दूँ इन दो कंपोनेंट्स, अब सर्किट में क्या रह जाएगा? डायोड एलिमिनेट हो जाएगी, इसकी जगह पे ये दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे और फिर आप लूप करा लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वंस वी फील द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, देन वी विल मूव ऑन टू द डायोड मॉडल्स एंड देन वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट रेजिस्टेंस लेवल्स ऑफ द डायोड व्हेन द डायोड इज इन डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस में भी वो कहाँ पे ऑपरेट कर रही है, ठीक है ना। तो डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होती है तो आप डायोड को यहाँ पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये आप ग्राफ के ऊपर फोकस करें तो फॉरवर्ड बायस, ये सारा रीजन फॉरवर्ड बायस से डायोड का। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी आता है पॉजिटिव। रिवर्स बायस का मतलब है कि वोल्टेज भी नेगेटिव है और करंट भी नेगेटिव है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में डायोड इस पूरी कर्व में कहीं पे भी ऑपरेट कर सकती है, ठीक है ना। तो वो कहाँ पे ऑपरेट कर रही है उसकी ऊपर डिपेंड करता है कि डायोड कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है ना। वो हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ दी डिफरेंट रेजिस्टेंस लेवल्स, उसमें आप देखेंगे स्टैटिक रेजिस्टेंस है, डायनामिक रेजिस्टेंस है, एवरेज रेजिस्टेंस है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं इनको हम एक्सप्लेन करेंगे और ये क्यों चाहिए हमें, ये आगे चल के हमें स्टैटिक रेजिस्टेंस कंप्यूट करनी होगी जब आप डायोड का क्यू पॉइंट निकालेंगे, ठीक है ना। ऑपरेटिंग पॉइंट डायोड के क्या है, इसी तरह से एवरेज रेजिस्टेंस हमें क्यों चाहिए, एवरेज रेजिस्टेंस हमें चाहिए डायोड को मॉडल करने के लिए, ठीक है। और जो डायनामिक रेजिस्टेंस है वो क्यों चाहिए, वो हमें चाहिए जब हम डायोड को एसी अप्लाई कर रहे हैं। तो डायोड जो है ना वो आपको पता है एज अ रेक्टिफायर भी यूज होना है और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है एसी के अंदर। तो डायोड को हम डीसी भी अप्लाई कर सकते हैं और एसी भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टेंस लेवल्स में हम देखेंगे डीसी रेजिस्टेंस, फिर एसी और डायनामिक रेजिस्टेंस और एवरेज रेजिस्टेंस, ठीक है। देन एट द एंड वी विल ट्राई टू कवर द टेम्परेचर इफेक्ट्स इन डायोड्स। द डायोड जो है वो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी वजह से उसकी फॉरवर्ड मोड में क्या इफेक्ट आता है, जो उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो बेसिकली रिड्यूस कर देता है और उसका जो करंट है वो इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एट द सेम वोल्टेज। और इसी तरह से रिवर्स में जो लीकेज करंट है वो भी उसका टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज होता है, ठीक है। और उसकी ब्रेक डाउन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, डायोड की ब्रेक डाउन के ऊपर अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमने वन बाय वन डिस्कस करनी है आज की क्लास, ठीक है। आर यू फॉलोइंग मी? अच्छा, यस सर। गुड। जय सर आई। यस सर। ठीक
गुड अच्छा, अब डायोड की इक्वेशन बताएं, क्या थी डायोड की इक्वेशन? आई डी वाज इक्वल टू आई एस ई की पावर वी डी और एन वी टी माइनस वन, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन वन कहता हूँ, दिस कॉल्ड द शॉकले इक्वेशन, ठीक है। इसमें कौन कौन से कांस्टेंट हैं और कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? आई एस जाना ये कांस्टेंट है, यस सर, एन कांस्टेंट, वी टी कांस्टेंट, वन जो है ना ये भी कांस्टेंट होता है, ई ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट आया, ये भी कांस्टेंट आया, बाकी कौन सी चीज़ रह गई है? दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये जो मैंने सर्कल किया ना, ये दो क्या है? ये वेरिएबल्स हैं। तो ये वेरिएबल कौन से हैं? ये बेसिकली डायोड की वोल्टेज और करंट है, कि जब डायोड के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करना है तो वी डी, और जो इसमें से करंट फ्लो करना है दैट इज आई डी। इन दोनों का रिलेशनशिप जो है ना बेसिकली इस इक्वेशन से डिफाइंड है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं यहाँ पे वी डी जो है इसको मैं 0.01 रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 0.1, तो आई डी की क्या वैल्यू होगी? इस क्वेश्चन से मैं अगर बाकी कांस्टेंट आपको वैल्यूज ये गिवन ये वाली वैल्यूज मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, आई एस की, एन की, वी टी की, तो आप वी डी की वैल्यू के अगेंस्ट आप आई डी की वैल्यू इस इक्वेशन से कंप्यूट कर सकते हैं। क्या कहते हैं? मैं वी डी की कोई भी वैल्यू दे दूं आपको, तो और ये बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ये भी गिवन हो, तो आप इस इक्वेशन से आई डी की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। यस सर, यस सर, बिल्कुल सही, ठीक है। वी डी की वैल्यू मैं खुद से आपको दे रहा हूँ, कर सकते हैं ना सर? जी जी बिल्कुल सही, क्योंकि सारी वैल्यूज आपको गिवन हो तो आप इस वेरिएबल को कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जो आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंगली आई डी भी इंक्रीज करता जाएगा, यू कैन सी, तो ये ग्राफ भी आपको ये चीज़ शो कर रहा है, ठीक है, राइट। कि जो जो आप वी डी की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, आई डी भी कोरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज करता जा रहा है, और किस तरह से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता जा रहा है। डन हो गया? जी सर, ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे ना ग्राफ के ऊपर फोकस करके बताएं कि ये जो कर्व एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मैं वोल्टेज और करंट को देखता जाऊँ साथ साथ। तो लेट्स से इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कितना है और इस पॉइंट पे करंट कितना है, तो कैन यू टेल मी कि इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कितना होगा, करंट कितना होगा एट दिस वेरी पॉइंट? सर वोल्टेज तो 0.7 है और करंट 4 मिली एम्पीयर है। वेरी नाइस। अब मैं जरा मूव कर रहा हूँ ऊपर, यहाँ आ रहा हूँ, आप बताएं। सर ये 0.7 है और 6 मिली एम्पीयर है, अगर मुझे सही नजर आ रहा है। किधर सर? ये इस पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट हो रही? नहीं नहीं, कांस्टेंट नहीं हो रही, मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताना है। इस तरफ 0.7 और 0.8 के बीच में कोई वैल्यू आ रही है, मे बी 0.73 आ रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ 6 मिली एम्पीयर आ रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आ जाए 0.8, वी डी 0.8 और आई डी
जी नाइन बोले। मिलियन पेयर है आई, सो ठीक है, वी डी पॉइंट एंड है आई और आई नाइन डी। एग्जैक्टली मिलियन पेयर है। बिल्कुल, यहाँ पे आ जाए पॉइंट एट और पॉइंट नाइन के बीच में कोई वैल्यू है, पॉइंट एट फाइव और करंट 15 मिली एम्पीयर। ठीक है, यस यहाँ पे सर। आ जाए ऊपर इस टॉप पे, तो पॉइंट एट और पॉइंट नाइन के बीच में ये वैल्यू वोल्टेज की स्टिल, और यस करंट कहाँ चला गया, 20 मिली एम्पीयर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट से लेके जहाँ पे करंट जी 3 मिली एम्पीयर है और वोल्टेज तकरीबन 0.7 के पास है, और करंट कहाँ चला गया, 20 मिली एम्पीयर के पास, 3 से 20 पे चला गया, और वोल्टेज कितनी गई है, 0.7 से सिर्फ 0.85 ट्वेंटी गई है। बजेगा तो करंट 3 मिली एम्पीयर से 20 मिली एम्पीयर पे चला गया, ठीक है, जी। और वोल्टेज 0.7 से 0.8 या 0.85। ठीक है, तो करंट जो है ना वो 3 मिली एम्पीयर से 20 मिली एम्पीयर पे चला गया, और वोल्टेज कहाँ गई है, 0.7 या 0.68 से 0.85 वोल्ट। तो दिस इज आई डी, दिस इज वी डी। ठीक है, सही है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि जब डायोड 0.7 के पास पहुँच जाती है वोल्टेज उसकी, तो और उसमें से करंट बढ़ना शुरू होता है, तो डायोड के ऊपर वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नहीं बढ़ते, यस सर। सिर्फ पॉइंट्स में इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन करंट काफ़ी हाई वैल्यू के ऊपर चला गया। ठीक है, आप जरा, मैं यहाँ पर ना एक चीज़ है कि मैं अगर ये जो आपको ब्लू कर्व है ये थोड़ी सी मैं और स्टीप कर दूँ, जैसे इसके साथ वाले डॉटेड कर्व आपको नज़र आ रही है, ये इससे ज़्यादा स्टीप है, वर्टिकल। तो अगर ये करेक्टरिस्टिक ना आपकी ज़्यादा स्टीप होना शुरू हो जाए, ठीक है, दिस इज वी डी, दिस इज आई डी, 0.7 और इधर आपके आई डी मिली एम्पीयर्स में चल रहा है, और इधर वोल्टेज वो इसमें चल रहा है। ठीक है ना, आप जरा मुझे बोर्ड पे बताएंगे जब 0.7 के बाद में कोई भी पॉइंट देता हूँ, इस जगह पे मैं देखता हूँ कि वी डी कितनी होगी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आई डी कितना होगा, फिर मुझे बताएं इस पॉइंट के ऊपर वी डी कितनी होगी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आई डी क्या होगा, इस पॉइंट पर बताएं। व्हाट यू विल सी दैट इफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इज प्रीटी स्टीप, ठीक है, देन वोल्टेज अक्रॉस द डायोड वुड बी वेरी क्लोज टू 0.7। However, the current would keep on increasing. Current can have any value, ठीक है, depending upon कि आप कहाँ पे इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। तो करंट बढ़ता जाएगा, जो जो वोल्टेज आप इंक्रीज करते जाएंगे, डायोड के ऊपर जो वोल्टेज हैं वो कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, कभी तो यहाँ पे ना डायोड के वोल्टेज क्या हो जाएंगे, वो 0.7, अराउंड 0.7 रहेंगे, और जो करंट है दैट वुड कीप ऑन इंक्रीज। व्हाट डू यू से, तो करेक्टरिस्टिक को देख के आप बता सकते हैं, जो ये वर्टिकली राइज कर रही है करेक्टरिस्टिक, यहाँ पे भी देख रहे हैं करेक्टरिस्टिक एकदम वर्टिकली राइज कर रही है, और इस डॉटेड लाइन को भी देख रहे हैं कि ये भी डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि शॉकलेट वेरिएंट से आ रही है, 1.1 से, जो जो ये कैरेक्टरिस्टिक का बिहेवियर है, जो शार्प इसमें राइज आ रहा है, ठीक है, आफ्टर द नी, वो इस चीज़ का इंडिकेटर है कि जो डायोड की वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती, अलबत्त उसमें करंट जो है वो बढ़ता रहता है। ठीक हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया, जी सर। वेरी गुड।
ये आपने अगर समझ लिया है तो इससे हम ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि जब डायोड ऑन होगा, जब डायोड एक दफ़ा ऑन हो जाएगा तो उसके वोल्टेज क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे जो कि 0.7 है, और उसमें जो जो करंट है वो इनडेफिनेटली फ्लो कर सकता है किसी भी वैल्यू के तक। ठीक है, उसमें से करंट आप 10 mA फ्लो कराना चाह रहे हैं, 1 A फ्लो कराना चाह रहे हैं, 10 A फ्लो कराना चाहें वो करा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो वोल्टेज हैं वो 0.7 ही रहेंगे, इससे ज़्यादा उसके ऊपर वोल्टेज अपीयर नहीं होंगे, या वो ज़्यादा अगर उसमें तेरे वोल्टेज से चेंज मुद्दा हुआ भी क्यों तो है? वो पॉइंट्स में ही चेंज होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज आपकी हो सकता है 0.6 से 0.9 तक चली जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है, 0.2 0.3 का फर्क होगा, लेकिन करंट जो है ना वो आपका मिली एम्पेयर से एम्पेयर तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये करंट अभी तो ये 20 mA दिखा रहा हूँ मैं, तो ये आपका 100 mA भी जा सकता है, 1 A भी हो सकता है, और 10 A तक भी जा सकता है, तो डायोड की जो करंट रेटिंग है ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके। जी सर। यस सर। ठीक है, आप जरा ना ये चीज मैं आपको स्विच के साथ कंपेयर करके कंसेप्ट इसका बताना चाहूँगा कि डायोड वुड बिहेव लाइक अ स्विच, और स्विच क्या होता है, आपका जो मैकेनिकल स्विच है जो घरों में अभी आप यूज करते हैं, पंखा ऑन करना है, लाइट ऑन करनी है, तो वो जो स्विच होता है वो जब आप ऑन करते हैं तो उसमें से करंट कितना फ्लो कर सकता है। इसी तरह से जब डायोड है, जब डायोड को ऑन करते हैं तो डायोड एक ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा, जिस तरह से आपका मैकेनिकल स्विच है जब उसको ऑन करते हैं तो वो करंट को फ्लो, उसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। इसी तरह से जो डायोड है उसको जब आप फॉरवर्ड बायस करते हैं और ऑन हो जाता है तो उसमें से भी करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, वो ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो जैसे आपने करेक्टरिस्टिक में भी देखा, इस पॉइंट के बाद डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया, और उसमें से आप करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो डायोड वुड बिहेव जस्ट लाइक अ स्विच। ठीक है, एंड इट वुड टर्न ऑन एंड इट वुड सपोर्ट एनी अमाउंट ऑफ करंट, जस्ट लाइक जब आप घर में स्विच ऑन करते हैं तो वो टर्न ऑन होता है, जब उसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, और आपकी जो भी आगे अपने डिवाइस लगाई हुई है, पंखा है तो पंखा चलना शुरू कर देता है, बल्ब है तो बल्ब चलेगा, तो कितना करंट फ्लो करेगा वो, पंखा चलाएंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, लाइट बल्ब चलाएंगे तो उसमें से कम करंट फ्लो करेगा, लेकिन वो दोनों को चलाएगा जितनी करंट की रिक्वायरमेंट है वो उसको मीट करेगा, तो उसमें से करंट इनडेफिनेटली किसी भी वैल्यू पे आप उस पर फ्लो कर सकता है। ऑफ कोर्स उसमें भी एक लिमिटेशन है कि बहुत ज़्यादा हाई करंट करेंगे तो स्विच भी जल जाता है, आपका जो मैकेनिकल स्विच है, इस तरह से डायोड भी जल सकती है। तो अब मैं जरा ना स्विच के ऊपर थोड़ी सी और बात करूँगा, स्विच जो है ना किस तरह से काम करता है। और फिर मैं उसको कंपेयर करना चाहूँगा डायोड के साथ। ये आपका एक स्विच है, ठीक है, दिस इज माय स्विच, इसके पास वोल्टेज आ रहे हैं, जैसे आपके घर में 220 वोल्ट आते हैं, 220 वोल्ट आ रहे हैं, इसके यहाँ पर भी आपने चीज लगानी है, बल्ब लगाना है तो बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है ना, जब ये ऑफ है स्विच तो बल्ब ऑन नहीं होगा। ठीक है, और जो ही स्विच ऑन करेंगे इसके ऊपर अगर वोल्टेज आ रहा है तो वो इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे कोई एसी सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो स्विच अभी जब स्विच ऑफ है तो ये सारे सोर्स के वोल्टेज,
आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी, क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, अब जब ये स्विच ऑन होगा, ऑन स्टेट में स्विच के ऊपर कितना वोल्टेज होंगे? ये स्विच ऑन होगा, ये स्विच ऑन है तो इसके ऊपर कितना वोल्ट्स होंगे, कितना वोल्टेज होंगे? जी, दिस स्विच इज ऑन, नाउ टेल मी कि यहाँ पे इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होंगे, अगर मैं यहाँ पे मेजर करूँ। इसको मैं कहता हूँ वी स्विच, तो वी स्विच कितना होगा? एनीबॉडी? जितना उसका वो होगा नहीं, जब स्विच ऑन होगा तो उसके ऊपर जो वोल्टेज अपीयर होंगे वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर नहीं होंगे। तो ये स्विच जब ऑन होगा तो ये तो एक तरह की शॉर्ट वायर बन जाएगा, एक सिंपल वायर बन जाएगा, कनेक्टिंग वायर की तरह। तो कनेक्टिंग वायर के ऊपर वोल्टेज कितना होता है अगर आप दोनों तरफ वोल्टेज लगा के लें तो? पहली बात तो डायरेक्ट वोल्टेज तो लगा जीरो। नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर जो वोल्टेज होगी वो 0 वोल्ट होगी। ठीक है, तो ये ऐसे है जैसे यहाँ पे ना मैंने लगाई है और यहाँ पे मैंने स्विच लगा दी है, यहाँ पे मैं वो बैटरी लगा देती हूँ, 5 वोल्ट लगा देती हूँ, ये रेजिस्टेंस 1 किलोमीटर। ठीक है, ये स्विच लगा, और मैं स्विच को ऑन करता हूँ, तो स्विच जब ऑन करूँगा तो स्विच के ऊपर वोल्टेज कितना होगा? जीरो वोल्ट। सारे वोल्टेज कहाँ जाएंगे रजिस्टर के ऊपर? ये चीज सर्किट एनालिसिस में तो आप करके आए, स्विच ऑन होता है तो वोल्टेज क्या जाएंगे? 0 वोल्ट से जाएंगे। ठीक है, जो आपके घर में स्विच लगा हुआ है जब स्विच को ऑन करते हैं तो उसके ऊपर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा होता है। ठीक है, ऑफ केस में उसके ऊपर कितना वोल्टेज आ रहे होते हैं? 220 वोल्ट। जब आप होता है 220 आ रहे होते हैं, जो ही ऑन करते हैं इसके ऊपर वोल्टेज क्या आ जाता है? 0 वोल्ट। ठीक है, यस सर, सही। अच्छा, इस चीज को मैं अच्छा एक और चीज इसमें कि अगर मैं स्विच के ऊपर वोल्टेज इस पोलैरिटी पे लगाऊं, ठीक है, और स्विच को ऑन करूं तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? करंट की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, दिस विल बी करंट। और अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर दूं, ये पोलैरिटी, और स्विच को ऑन करूं तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अगर आपको अभी क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पे वही सर्किट दोबारा बना देता हूँ। नेगेटिव से पॉजिटिव हो। नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव इसी डायरेक्शन में होगी। इसे ओपोजिट हो। अपोजिट होगी, बिल्कुल करंट जो ना वो अब आपका इस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही है जैसे कि मैं यहाँ पे ना एक लगा देता हूँ स्विच और उसका बैटरी, और ये स्विच, ये वोल्टेज वी है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। अगर इस पोलैरिटी पे मैं वोल्टेज लगाता हूँ तो और स्विच को ऑन करता हूँ तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये, ठीक है, दिस इज दी करंट। और अगर मैं पोलैरिटी रिवर्स करता हूँ, इधर मैं नेगेटिव लगाता हूँ, इधर पॉजिटिव, ठीक है, और फिर स्विच को ऑन करता हूँ तो फिर करंट की क्या डायरेक्शन होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है,
सो स्विच जो है वो दोनों तरफ कंडक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स कर दूँ तो जो करंट है वो रिवर्स हो जाएगा और स्विच जो है ना वो दोनों तरफ कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो स्विच जब ऑन होता है तो करंट इधर से इधर भी जा सकता है और इधर से इधर भी जा सकता है। करंट दोनों तरफ फ्लो कर सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है और इधर से इधर भी जा सकता है। स्विच ऑन हो तो इसमें करंट बाई डायरेक्शनल होगा। ऐसे ही जी सर, ऐसे गुड, ठीक है। स्विच में और डायोड में फिर क्या फर्क होगा? अब मैं ये आपको बताना चाहूंगा। डायोड में और स्विच में, डायोड भी एक स्विच की तरह काम करता है। ये जब ये ऑन होता है तो करंट क्या को सपोर्ट करता है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है इसमें। लेकिन जब ये ऑफ होता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, तो अनलाइक द स्विच, स्विच कैन सपोर्ट करंट इन आइदर डायरेक्शन। ठीक है, व्हेन इट इज ऑन और वोल्टेज को रिवर्स कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ करंट की डायरेक्शन। स्विच दोनों केस में ऑन है, आप उसको जब करते हैं ऑन करते हैं तो करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं इसमें से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डायोड लगा दूँ स्विच की जगह पे, तो इस पोलैरिटी के साथ जो करंट है वो फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, और जब पोलैरिटी में रिवर्स कर दूंगा तो फिर करंट इसमें से फ्लो कर सकता है। ये पॉसिबल, ये करंट पॉसिबल है इसमें से इस डायरेक्शन में, और ब्लू जो पोलैरिटी है उसमें करंट पॉसिबल नहीं है, करंट फ्लो नहीं है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डायोड एंड अ स्विच। ठीक है, नॉर्मल स्विच, नॉर्मल स्विच करंट को दोनों तरफ सपोर्ट करता है और डायोड सिर्फ करंट को एक डायरेक्शन में सपोर्ट करता है, एक दूसरी तरफ तरफ स्लो को कर। वो सपोर्ट नहीं करता, दूसरी तरफ करंट को फ्लो नहीं करने देगा। ठीक है, आप जरा मैं इसको ना, इसकी करेक्टरिस्टिक पे आता हूँ स्विच की। दिस इज द स्विच, ये इसकी वोल्टेज है और ये इसकी करंट है। ठीक है, अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। दिस इज वी, दिस इज करंट। ठीक है, मैं इसको स्विच के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज स्विच। ठीक है, जब स्विच ऑन होगा तो इसके ऊपर आपने कहा था वोल्टेज कितने होंगे, बी स्विच कितने होंगे, जीरो। जीरो। और करंट जो स्विच में से है वो उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द लोड। ठीक है, तो अभी आपने डायोड की बात की थी, जब डायोड ऑन होता है तो उसके ऊपर वोल्टेज कितने आते हैं, 0.7। सर, और करंट उसमें से कुछ भी फ्लो कर सकता है, किसी भी वैल्यू पे जा सकता है। इसका मतलब उसके ऊपर वोल्टेज 0.7 क्या हो गए थे, कांस्टेंट। इस चीज़ को मैं ग्राफ के ऊपर इस तरह से शो कर सकता हूँ। दिस इज माय प्लॉट, व्हाट डू यू थिंक? ओरिजिन के ऊपर हूँ मैं और इस पूरे वर्टिकल एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कितने होंगे, चाहे आप इस पॉइंट के ऊपर हैं, इस पॉइंट के ऊपर हैं, यहाँ पे हैं, इस पूरे एक्सिस के ऊपर वोल्टेज की क्या वैल्यू है, बी स्विच की क्या वैल्यू है ग्राफ के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई वैल्यू बताएं, बी बी यहाँ वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज भी है।
एनीबॉडी द वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू क्या होती है इसकी, एक्स कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू होती है? मैं यहाँ पर ना एक्स वाई प्लॉट में अब आपको ज्यादा क्लियर हो गया, y एक्सिस के ऊपर x की क्या वैल्यू होगी? इस पूरे एक्सिस के ऊपर x की क्या वैल्यू होगी? जीरो। इस पूरे एक्सिस के ऊपर y की क्या वैल्यू होगी? पूरे x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू जीरो होगी। ये पूरे एक्सिस के ऊपर जो है ना y की वैल्यू जीरो होगी, इस पूरे एक्सिस के ऊपर x जीरो होगा, ठीक है? कोई भी पॉइंट डाले यहाँ पे क्या x जीरो है, यहाँ x क्या जीरो है, इस जगह क्या x जीरो है, y की वैल्यू है। तो इस ये प्लॉट का ये वोल्टेज और करंट का प्लॉट है, इस पूरे एक्सिस के ऊपर वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी? जीरो। इधर आए तो वोल्टेज क्या होगी? जीरो। इस पूरे एक्सिस के ऊपर करंट क्या होगा? इस पूरे एक्स पे कोई भी पॉइंट लो तो करंट क्या होगा? जीरो होगा। बिल्कुल सही, जीरो होगा, ठीक है। तो आपने कहा कि जब स्विच ऑन होता है तो इसके ऊपर वोल्टेज कितना हो जाता है? जीरो। इसका मतलब इसी चीज को मैं ग्राफिकली दिखाऊं तो ये ग्राफ ये बनेगा, ये चीज ग्राफ पे ऐसे आ जाएगी कि वोल्टेज क्या होंगे जब स्विच ऑन है तो वोल्टेज क्या होंगे? जीरो होंगे। तो दिस इज दिस होल लॉट ऑफ प्लॉट ऑफ द सेगमेंट इज डिफाइनिंग द ऑन स्विच, दिस इज ऑन स्विच, ठीक हो गया? ठीक है, ओके। और जब स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ होगा तो उसमें से करंट कितना फ्लो करेगा? जो स्विच ऑफ है तो दिस इज ऑन स्विच, दिस इज ऑफ स्विच। तो स्विच ऑफ है तो करंट कितना होगा इसके ऊपर? आई स्विच। और जो वोल्टेज है वो कितनी होगी? ई स्विच। तो स्विच ऑफ हो तो करंट तो बिल्कुल ऑब्वियस है ना कि करंट तो जीरो रहेगा। ठीक है, सही। तो करंट जीरो रहेगा। और वोल्टेज क्या होंगे? वोल्टेज अगर इस पोलैरिटी पे होंगे तो पॉजिटिव, इस पोलैरिटी पे होंगे तो नेगेटिव। और उसका मैग्नीट्यूड, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा जब स्विच ऑफ है? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये कुछ भी हो सकता है। अगर ये स्विच 220 के ऊपर लगा हुआ तो 220 होंगे, अगर 5 वोल्ट पे लगा हुआ तो 5 वोल्ट होंगे, 10 पे लगा तो 10 होंगे। तो जितने भी वोल्टेज सर्किट में हैं वो सारे ओपन सर्किट के ऊपर अपीयर होंगे, और वो डिपेंड करता है कि कितने वोल्टेज आपने अपलाई। तो जो स्विच है वो उसका बिहेवियर ग्राफ के ऊपर, मैं इसी चीज़ को ग्राफ के ऊपर मैं अगर दिखाना चाहूँ तो करंट जीरो कौन से एक्सिस के ऊपर है? इस पूरे एक्सिस पे करंट क्या है? जीरो, ठीक है। तो करंट हमेशा जीरो रहेगा। वोल्टेज जो है ना वो कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, करंट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो जो इसका प्लॉट होगा स्विच का वो ये पूरा एक्सिस आपका क्या हो जाएगा? इसके तो यहाँ पे क्या स्विच क्या है? ऑफ, ऑफ स्विच। यहाँ पे क्या स्विच क्या है? इस तरह से आप उसके बिहेवियर को प्लॉट के ऊपर लेके आ रहे हैं। ये मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ कि क्योंकि मैंने अब डायोड की जो करेक्टरिस्टिक है उसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, और उसको फर्दर उसके ऊपर मॉडल डेवलप करना चाह रहा हूँ उसके एनालिसिस के लिए, और इस चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर यही चीज ग्राफ की मैं ऊपर लगाऊँ, ये भी स्विच के लिए थी, अब मैं डायोड के लिए लगाऊँ।
डायोड जो है वो उसके ऊपर मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूँ वी डी, इस पोलैरिटी का साथ फॉरवर्ड बायस है, दिस इज आई डी। जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस है और वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा है, 0.7 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाता है, ऑन स्विच ऑन हो जाता है डायोड, और ऑन होता है तो इसके ऊपर जो वोल्टेज है वो प्रिटी मच 0.7 के ऊपर आ जाता है, और जो करंट है उसमें से वो उसकी वैल्यू कुछ भी इनडेफिनेटली फ्लो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सर्किट वोल्टेज एंड एसोसिएटेड रेजिस्टेंस। ठीक है, सो इसको मैं जब डायोड ऑन होता है तो इसको मैं अभी फिलहाल एक 0.7 की बैटरी के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, 0.7 वो, ठीक है, और इसमें से जो करंट है वो इट वुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, पुरानी वैल्यू। तो वोल्टेज क्या हो गया इसके ऊपर, डायोड के ऊपर वोल्टेज क्या हो गया, फिक्स हो गया, वी डी 0.7 आ गया, 0.7 वोल्ट, और करंट जब हो ग्रेटर देन जीरो। तो अब ग्राफ के ऊपर मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये वो सिचुएशन है जिसमें डायोड क्या हो गई है, ऑन हो गई, ऑन डायोड। तो वी डी 0.7 कहाँ पे होंगे, इसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ, वी डी वर्सेस आई, तो लेट्स से दिस इज 0.7, ठीक है, तो जब भी डायोड ऑन स्टेट में है तो इसके ऊपर वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट, और वो भी 0.7, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वर्टिकल लाइन के साथ, क्योंकि इस पूरी वर्टिकल लाइन के ऊपर वोल्टेज कितने होंगे, हाँ, इस पूरे वर्टिकल लाइन पे वोल्टेज कितने होंगे, जीरो, जीरो तो नहीं होंगे यार, यहाँ पे मैं प्लॉट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक्स रखता हूँ, यहाँ वाई रखता हूँ, और ये क्लाइंट रखता हूँ, तो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ एक्स की क्या वैल्यू होगी, लेट्स से ये एक्स वन है, इस पूरी लाइन के ऊपर एक्स क्या वैल्यू होगी, आपको प्लॉट नजर आ रहा है ना, ये वाला इस पूरी लाइन के ऊपर एक्स जो ना वो उसकी वैल्यू वन होगी, कोई भी पॉइंट लेना नहीं, इसकी एक्स वन पे ही होगा, ठीक है। तो एक्स वाई के लिए तो आप काफी कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन थोड़ा वेरिएबल चेंज करें तो थोड़ा सा आपको ना प्रॉब्लम होता है, तो इनको आप इसको वाई समझ लें, इसको एक्स समझ लें, और एक्स की वैल्यू 0.7 आ गई है, तो इस पूरी लाइन के ऊपर एक्स की क्या वैल्यू रहेगी, 0.7 ही रहेगी, लेकिन वाई की वैल्यू या आई डी की वैल्यू वो चेंज होती जाएगी, ऐसे ही ठीक होगा। तो ये जो कर्व है ये आपको बता रही है कि ये आपकी क्या है, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है आफ्टर 0.7, कि जब डायोड ऑन हो जाता है तो उसके ऊपर वोल्टेज क्या हो जाते हैं प्रीटी मच, इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ, ये हमेशा ऐसा भी होता है, तो अराउंड 0.7 आपके पास आ जाता है, ठीक है, जो कि इस कैरेक्टरिस्टिक को वो मॉडल करेगा। उसके बाद जब डायोड ऑफ होगा, ऑफ केस में डायोड किस तरह से बिहेव करते हैं, 0.7 है और यहाँ पे डायोड जब ऑफ होता है तो ये एक ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है, डायोड में से ऑफ स्टेट में करंट फ्लो करता है, डायोड में से आइडियली डायोड में से ऑफ, जब डायोड ऑफ होता है तो करंट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, रिवर्स बायस है, डायोड ऑफ है या रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस डायोड में करंट जो है वो जीरो होता है, और इसके ऊपर वोल्टेज क्या होंगे, वोल्टेज की ये पोलैरिटी होगी, ठीक है, पोलैरिटी बदल जाएगी, यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर, डायोड का रिवर्स बायस,
किस प्रणाली के साथ डालते हैं वो था पानी। तो जब ये रिवर्स बायस है तो डायोड ऑफ है, ऑफ स्टेट में इसमें से जो करंट है वो क्या होगा, वो जीरो होगा। और जब करंट जीरो है तो करंट जीरो किस एक्सिस के ऊपर होगा, ये करंट वाई एक्सिस पर वेरिएबल है, इस पूरे एक्सिस पे करंट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जो वोल्टेज है वो हम क्या ले रहे हैं, वो सिर्फ नेगेटिव ले रहे हैं, लेस देन जीरो। तो इसका मतलब सिर्फ ये जीरो से लेफ्ट वाला जो सारा सेगमेंट होगा ये इसमें आ जाएगा। सो दिस वुड बी द केस, इसमें जो करंट है वो जीरो रहेगा इस पूरी लाइन के ऊपर, ठीक है। और बाकी ये सेगमेंट रहेगा, इस सेगमेंट में भी करंट क्या होगा, इस सेगमेंट में जब तक वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में डायोड के ऊपर, फॉरवर्ड बायस में जब तक वोल्टेज 0.7 तक नहीं आते उस वक्त तक डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे भी करंट क्या रहेगा, जीरो। यहाँ पे भी करंट जीरो है, नेगेटिव रिवर्स बायस में भी डायोड ऑफ है तो करंट जीरो है। 0.7 या इसके बाद डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है और उसमें से करंट लो सकता है, अलबत्त जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो उसके ऊपर जो वोल्टेज है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, उसके ऊपर जो ड्रॉप है वो चेंज नहीं होता है, ड्रास्टिकली प्रीटी मच फिक्स हो जाता है और करंट उसमें से डेफिनेट हो जाता है, ठीक है। फॉलो कर रहे हैं? यस सर। तो ये जो करेक्टरिस्टिक आपको नजर आ रही है ये है डायोड करेक्टरिस्टिक, ये है आपकी स्विच करेक्टरिस्टिक, और ये अगर ये वाला सेगमेंट मैं निकाल दूँ, ये वाला पॉजिटिव साइड का और ये सिर्फ ये सेगमेंट हो, तो ये जो करेक्टरिस्टिक है ये आइडियल डायोड करेक्टरिस्टिक भी होंगे। आप आगे चल के देखेंगे दीज करेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड द आइडियल डायोड करेक्टरिस्टिक। आइडियल डायोड करेक्टरिस्टिक ये होती हैं कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप जीरो होता है, और जब रिवर्स बायस होता है तो उसमें से करंट जीरो होता है, ठीक है। तो एक केस में वोल्टेज जीरो होगा, दूसरे केस में करंट जीरो होगा, ये आइडियल डायोड करेक्टरिस्टिक है। और प्रैक्टिकल डायोड करेक्टरिस्टिक ये हैं जिसमें कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है और वोल्टेज ग्रेटर देन 0.7 होते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो डायोड ऑन हो जाता है और उसमें से करंट फ्लो करता है। और जब वोल्टेज लेस देन 0.7 होते हैं या फिर डायोड रिवर्स बायस होता है तो डायोड में से करंट फ्लो नहीं करता। तो ये प्रैक्टिकल डायोड की करेक्टरिस्टिक है, ये आइडियल डायोड करेक्टरिस्टिक। आइडियल डायोड वो होता है जो कि फॉरवर्ड में ऑन होता है, रिवर्स में ऑन नहीं होता, जबकि जो स्विच है वो दोनों तरफ कंडक्ट कर सकता है, उसमें से करंट पॉजिटिव साइड पर भी जब ऑन होता है तो जब ऑन होता है तो करंट जो है वो आपका दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो स्विच है उसमें करंट इस तरफ भी जा सकता है, ये मैंने मिस कर दिए, इस तरफ भी जा सकते हैं, जब आप उसको रिवर्स वोल्टेज लगाएंगे तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स भी होगी, ठीक है। तो इस सेगमेंट में भी स्विच ऑन है, इस सेगमेंट में भी स्विच ऑन है, दिस इज ऑल्सो ऑन स्विच, दिस इज ऑफ स्विच, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इस डायोड करेक्टरिस्टिक के ऊपर मैं अगर एक्चुअल करेक्टरिस्टिक प्लॉट करूँ तो वो ऐसा से नजर आएंगे, वो यहाँ से चलेंगी और इसको 0.7 की नी के ऊपर, 0.7 के ऊपर एक नी बनाते हुए ये ऐसे ऊपर जाएंगे, ठीक है, फॉरवर्ड केस में। और रिवर्स केस में ये हल्का सा इसको डायवेट करेगा और एक लीकेज करंट फ्लो कर रहा होगा इसके साथ से, ऐसे करेंगे, ठीक है, ये ठीक है ना।
आप देखेंगे दिस ब्लैक करेक्टरिस्टिक, ब्लैक कलर में जो करेक्टरिस्टिक मैंने प्लॉट की है और जो ब्लू में है, ये प्रीटी मच एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है। यहाँ पे डेविएशन आ रही है, यहाँ पे भी बहुत माइनर सी डेविएशन आ रही है, लेकिन ये जो है डेविएशन, ये 0.5 वोट्स के अंदर है, ठीक है, 0.7 के अराउंड है। और यहाँ पे जो डेविएशन है वो करंट में है, यहाँ करंट जीरो है, लेकिन यहाँ करंट एक लीकेज करंट फ्लो कर रहा है जो कि बहुत लो वैल्यू का है, इट वुड बी इन नैनो एम्पेयर्स आर पिको एम्पेयर्स रेंज। सो दिस करंट वुड बी वेरी स्मॉल, दिस इज दी वैल्यू ऑफ द करंट, दिस वुड बी इन नैनो एम्पेयर टू पिको एम्पेयर रेंज, ठीक है, जिसको कि आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। नैनो एम्पेयर करंट इज वेरी स्मॉल, 10⁻⁹, 10⁻¹², तो यू कैन इमेजिन के कितना जीरोज लगेंगे इसके साथ, ठीक है, मैंने अभी कम लिया है और भी लगेंगे, ठीक है। ओके, वेरी स्मॉल, ठीक हो गया। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो आगे अब चलते हैं, लेकिन उससे पहले ना 2 मिनट की हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, उठने का 2 मिनट। दुकान पे हो गया, समझ नहीं आया, अच्छा ये बेशक हम नोट करें ना करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें, तो बाद में भी आप चीज़ें नोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें फिर। यस सर, ठीक है, अच्छा अभी मैं एक सर्किट ड्रा कर रहा हूँ और उस सर्किट में फिर आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा और उसके बाद फिर हम जाएंगे उस सर्किट को एनालाइज करेंगे विद दी एक्चुअल डायोड रिलेशनशिप जो हमने शॉर्टल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद फिर हम उसको एनालाइज करेंगे विद डायोड इक्विवेलेंट मॉडल्स, ठीक है।
अभी आपको मैंने करेक्टरिस्टिक दिखाए थे जिसमें कहना डायोड का जो एक्चुअल करेक्टरिस्टिक है उसको मैं सिंप्लीफाइड एक वर्टिकल सेगमेंट के साथ रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो एक्चुअल करेक्टरिस्टिक एक नॉन लीनियर है, ठीक है, इस तरह की। और जो फॉरवर्ड बायस में इसको मैंने ब्रेक किया 0.7 के ऊपर इस तरह के सिंपल वर्टिकल लाइन के साथ, तो ये बेसिकली इसका मॉडल है, ठीक है, और ये इसका एक्चुअल बिहेवियर, ठीक है, सही। एक्चुअली रिकॉर्ड ये है लेकिन मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया इस तरह से। इसकी डिटेल अभी देखेंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है। अभी आपको मैंने जस्ट हिंट दिया है कि मॉडल क्या था और एक्चुअल बिहेवियर कैसा, ग्राफ के ऊपर मॉडल इस तरह का और एक्चुअल बिहेवियर तक आपको मिलेगा। अभी मैं सर्किट ड्रा कर रहा हूँ और फिर मैं आपसे पूछता हूँ इसके बारे में। ये रेजिस्टेंस है 1 किलोम, और ये जो डायोड है ये सिलिकॉन की डायोड है, ठीक है, और ये इसका एनोड है, ये कैथोड है, और इसकी जो वोल्टेज एनोड और कैथोड के दरमियान उसको मैं कहता हूँ डी, और जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसको मैं कहता हूँ आई डी, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है इसकी वैल्यू मैं 0 वोल्ट्स दूँ, यहाँ पे इस जगह पे मैं 0 वोल्ट्स अप्लाई करूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि डायोड के ऊपर कितना वोल्टेज होंगे, करंट की क्या वैल्यू होगी, इस रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा, इसके ऊपर वोल्टेज क्या होगा, तो रेजिस्टर का करंट कितना होगा आई आर, और इसके ऊपर वोल्टेज कितना होगा वी आर, तो जैसे रजिस्टर आर जी। तो 0 वोल्ट्स अगर मैंने अप्लाई किए हैं तो वोल्टेज कितने होंगे डायोड के ऊपर और डायोड में से करंट कितना होगा, एनीवन? सर 0 वोल्ट से पहले तो, अगर 0 वोल्ट से तो करंट तो फ्लो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वोल्टेज नहीं लगी हुई तो कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता, तो करंट 0 हो गया। वोल्टेज कितना होंगे डायोड के ऊपर, डायोड पे वोल्टेज 0 ही हो, बिल्कुल इसके ऊपर वोल्टेज 0 ही होंगे, ठीक है, क्योंकि सर्किट में तो वोल्टेज अप्लाई नहीं है तो इसमें कहीं से वोल्टेज नहीं आ सकते। इसके अंदर जो बिल्ट इन 0.7 वोल्ट्स होते हैं वो जंक्शन के ऊपर होते हैं और टर्मिनल्स के ऊपर अपीयर नहीं होते, ठीक है। अनबायस्ड केस में जब डायोड डायोड पे कोई वोल्टेज आपने अप्लाई नहीं किए हुए और वैसे आपने डायोड रखा हुआ है तो इसके ऊपर वोल्टेज हमेशा कितने रहेंगे 0 वोल्ट्स, और इसमें से करंट जो होगा वो कितना होगा 0, ठीक है। तो जब डायोड को हमने कोई बायसिंग नहीं अप्लाई की हुई तो ये अनबायस्ड कहते हैं इसको, ये अनबायस्ड, ठीक है। अनबायस्ड डायोड जो होता है वो उसके ऊपर कोई वोल्टेज अपीयर नहीं होता है, यहाँ पे जब डायोड कोई आपके डेस्क पे पड़ा हुआ और आइसोलेटेड है कोई, इसके ऊपर वोल्टेज लाइन किए हुए, तो इसके साथ जब मीटर लगाएंगे तो मीटर के ऊपर क्या पड़ेंगे आप 0 वोल्ट्स ही पड़ेंगे, ठीक है, और इसमें करंट क्या होगा 0 ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें रखेंगे। अच्छा, अब मैं एक्स्ट्रा आगे मूव करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे दिखता है कि यहाँ पे मैं वोल्टेज कर 0.1 वोल्ट, ठीक है। अगर यहाँ 0.1 वोल्ट्स होंगे तो डायोड के ऊपर कितना वोल्टेज होंगे और डायोड में से करंट कितना होगा, जी आप इस रजिस्टर को भूल जाए और डायोड के क्रॉस 0.7 लगाए, 0.1 लगाए, तो डायोड को जब 0.1 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो डायोड में से कितना करंट फ्लो करते हैं, 0.1,
डायोड के पास जो वोल्टेज होंगे वो कितना होगा, 0.1, यस सर, और करंट कितना होगा इसमें, 0.1 करंट, करंट जो है ना वो डायोड के पर जब तक वोल्टेज 0.7 नहीं आ जाते डायोड में से करंट फ्लो नहीं कर सकते। तो अगर अभी जब वोल्टेज 0.1 है इस जगह पे है 0.1, तो इसमें करंट फ्लो करेगा? नो सर, 0.7 पे फ्लो करेगा करंट, 0.7 पे फ्लो करेगा, उससे पहले तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर मैंने यहाँ पे वोल्टेज 0.1 लगाया है तो डायोड अभी कंडक्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये ऑफ रहेगा और इसमें से करंट जीरो होगा। तो अभी करंट इसमें से जीरो रहेगा, फिर इसके ऊपर मैं वोल्टेज इंक्रीज करो 0.2 कर दूँ तब भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है? डायोड के ऊपर वोल्टेज कितने होंगे, 0.2 होंगे, ठीक है? फिर 0.3 कर दूँ, 0.4, 0.5, 0.6, ठीक है? 0.6 अगर मैं 0.6 लगा दूँ उस वक्त भी डायोड में से करंट जीरो रहेगा, और डायोड के ऊपर वोल्टेज क्या होंगे, 0.6 वोल्ट, क्योंकि डायोड में से करंट जीरो है तो रजिस्टर में से भी करंट क्या रहेगा, जीरो, और अगर रजिस्टर में करंट जीरो है तो रजिस्टर के पास वोल्टेज ड्रॉप क्या होंगे, वी थोड़ा हो गया, तो करंट जीरो है रजिस्टर में तो वोल्टेज भी क्या होंगे, तो रजिस्टर के ऊपर भी वोल्टेज जीरो रहेंगे क्योंकि उसमें से करंट जीरो है, और जितने भी वोल्टेज अप्लाइड है वो सारे के सारे कहाँ होंगे, इस डायोड के ऊपर, क्योंकि डायोड क्या ओपन सर्किट, तो डायोड जो है वो आपका ओपन सर्किट बिहेव करेगा, इट विल बी ओपन सर्किट व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड ऑन द डायोड इज लेस देन 0.7 वोल्ट्स, ठीक है? डायोड वुड बी ओपन सर्किट, ठीक है, व्हेन वोल्टेज अप्लाइड ऑन द डायोड इज लेस देन 0.7 वोल्ट्स, ठीक है? And the current would be equal to, the current would be equal to 0. ठीक हो गया, ये चीज नोट कर लो, और अगर वैसे रिकॉर्डिंग जो है तो बाद में देख लेना, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक डायोड के क्रॉस वोल्टेज लेस देन 0.7 होंगे, जैसे अभी ये केस है, तो डायोड में से करंट जीरो रहेगा और डायोड ओपन सर्किट रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा सर जी, जी क्वेश्चन है आपका? पूछा नो सर। ओके अच्छा, अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ वोल्टेज 1 वोल्ट, 0.7 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है? यहाँ पर मैंने 1 वोल्ट लगाया, तो 1 वोल्ट इज ग्रेटर देन 0.7, ठीक है, तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। 1 वोल्ट इज सफिशिएंट टू पावर बाय द डायोड, ठीक है, 1 वोल्ट इज सफिशिएंट टू पावर बाय द डायोड। अगर मैं यहाँ वोल्टेज 1 वोल्ट लगा दूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस डायोड के ऊपर कितना वोल्टेज होंगे और इसमें से करंट की वैल्यू क्या होगी? करंट की वैल्यू सर 1 होगी जो फ्लो करेगा। वैल्यू कैसे सर, क्योंकि वोल्टेज 1 अप्लाई कर रहे हैं, ये 1 वोल्ट सारे के सारे रेजिस्टर पे आ जाएंगे, डायोड पे कुछ नहीं आएगा, डायोड पे कुछ भी नहीं आएगा, आएगा तो सही। हाँ ना, तो एक्चुअली जब जब भी वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा अप्लाई करेंगे डायोड ऑन हो जाएगा, और जब भी डायोड ऑन हो जाएगा तो इसके ऊपर वोल्टेज क्या आ जाएंगे, 0.7 आ जाएंगे इसके ऊपर, फिक्स, तो इसके ऊपर वोल्टेज कितना आ जाएंगे, 0.7 वोल्ट्स, ऐसे ही वो ये डायोड पे जो वोल्टेज आएगा वो 0.7 वोल्ट्स हो जाएगा, अगर 1.7 वोल्ट से ऊपर की बैटरी वो की है अप्लाई की है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि ये जो वोल्टेज है 1 वोल्ट
ये डायोड को ऑन कर देगी। डायोड को ऑन होने के लिए वोल्टेज कितना चाहिए होता है? 0.7 से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मैंने वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा अप्लाई कर दी है। इसने डायोड को क्या कर देना है? ऑन कर देना। और जब भी सही। डायोड, जब भी डायोड ऑन होगा तो इसके ऊपर वोल्टेज क्या आपने देखे थे क्या होंगे? 0.7 0.7 आ जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर वोल्टेज आ जाएंगे 0.7, और इसमें से करंट कितना होगा? आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये। 1 एम्पीयर। जी, करंट कैसे आ जाएंगे? उसके लिए ना आप करेंगे कि आप ना केवीएल बताएंगे। केवीएल, केवीएल ये कहता है कि जितनी भी आपने वोल्टेज अप्लाई की है वो सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर ड्रॉप हो जाएगी, और उन जो ड्रॉप्स हैं जितने भी उनको सम करेंगे दैट वुड बी इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो मैंने वोल्टेज अप्लाई किए थे 1 वोल्ट, डायोड के ऊपर ड्रॉप हो गए 0.7, तो बाकी जो वोल्टेज रहेंगे वो कहाँ रहेंगे? एक बाकी तो एक ही कंपोनेंट रहेगा डायोड के अलावा, वो है रजिस्टर। तो इसके ऊपर 0.7 आ गए, टोटल 1 वोल्ट है, तो इसका मतलब रजिस्टर के ऊपर बाकी कितना रह गए? 0.3 वोल्ट रजिस्टर पे आ गए, ठीक है। तो अब अगर मुझे रजिस्टर की वैल्यू पता हो और इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप पता हो तो मैं रजिस्टर का करंट फाइंड कर सकता हूँ। IR इज इक्वल टू वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस वैल्यू। वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर 0.3 है और इसकी वैल्यू 1 किलो ओम है, तो करंट कितना आ जाएगा? 0.3 मिली एम्पीयर। तो करंट मेरे पास आ गया 0.3 मिली एम्पीयर IR। और इस सर्किट में आप देखें तो रजिस्टर और डायोड दोनों सीरीज में, जब भी कंपोनेंट सीरीज में होते हैं तो उनमें से करंट क्या होता है? सेम फ्लो करता है, इक्वल, दोनों में करंट इक्वल होगा। इसका जो रजिस्टर में करंट है वही डायोड में से फ्लो करेगा। IR और ID क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.3 मिली एम्पीयर। तो करंट की वैल्यू आपने फाइंड कर ली और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी फाइंड कर ली, और रजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है वो भी आपको पता चल गई, एंड यू हैव डन विद दिस सर्किट, ठीक हो गए। अब हम एक उसका पता चलता है, मैं यहाँ पे ना 1 वोल्ट के बजाय मैं यहाँ पे 5 वोल्ट करता हूँ। तो अगर यहाँ 5 वोल्ट है, आप मुझे बता सकते हैं कि डायोड के ऊपर कितना वोल्टेज आएंगे और डायोड में से कितना करंट फ्लो करेंगे? सर वोल्टेज 0.7 वोल्टेज 0.7 वोल्ट, बिल्कुल वोल्टेज जो है ना वो सेम ही रहेगी, क्योंकि जब डायोड 5 वोल्ट हैं जो कि डायोड को ऑन कर देंगे, और जब डायोड ऑन हो जाता है तो उसके वोल्टेज तो यही रहते हैं 0.7 ही, इससे नहीं बढ़ते, ठीक है। तो ये वोल्टेज तो 0.7 ही रहेंगे। तो करंट कैसे कंप्यूट करें? करंट कंप्यूट करने के लिए आप कहेंगे कि वोल्टेज अप्लाई है 5 वोल्ट, डायोड पर ड्रॉप होंगे 0.7, तो बाकी जो वोल्टेज है वो कहाँ आएंगे? रजिस्टर पे। तो 5 में से 0.7 निकालें तो जो रजिस्टर पे बचेंगे वो हैं 4.3, ठीक है। इस तरह से यहाँ 10 वोल्ट लगे हों तो यहाँ 10 वोल्ट हों तो यहाँ कितना होंगे? 0.7, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 9.3। यहाँ पर 20 हो, यहाँ पर हो जाएंगे 0.7, यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 19.3। जो भी अप्लाई वोल्टेज है उसमें से 0.7 निकाल दें, बाकी वोल्टेज यहाँ पे रजिस्टर पे आ जाएंगे, ठीक है। और करंट कितना हो जाएगा? 4.3 डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम, तो 4.3 मिली एम्पीयर, ठीक है। आप देखें करंट पहले 0.3 मिली एम्पीयर था, अब कितना हो गया? 4.3 मिली एम्पीयर। तो करंट बढ़ता जा रहा है, 0.3 से 4.3 हो गया, लेकिन वोल्टेज क्या है? कांस्टेंट ही है, वोल्टेज कांस्टेंट ही है, करंट बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे मैं 20 कर लूँ तो यहाँ करंट कितना हो जाएगा? 19.3 हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज 0.7 हो जाएगा।
तो दिस वुड बी द बिहेवियर जो कि आपको यहाँ पे इस सर्किट में डायोड का नजर आएगा जब आप उसको एक सिंपल सर्किट में देखेंगे। एक्सक्यूज मी सर, सर जी करंट के साथ हमने यूनिट लगाया 3 एम्पीयर, तो ये हमें यूनिट्स का कैसे पता चलेगा कि हमने ये यूनिट लगाना है इसे सर? वो रेजिस्टेंस वैल्यू बता रही है, यहाँ रेजिस्टेंस जो लगी हुई है ना वो किलो में लगी हुई है ना, इस वजह से करंट मिली एम्पीयर में आ रहा है। अगर यहाँ रेजिस्टेंस ओम्स में लगी हो तो करंट एम्पीयर में चला जाएगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ना ये करंट को लिमिट करेगी और इससे ये करंट डिटरमिन होगा। ये जो है ना यहाँ लिखा हुआ 4.3 डिवाइड बाई 1 किलो, जिसको लिखते हैं 4.3 डिवाइड बाई 1 किलो को मैं लिखता हूँ 10^3, ठीक है? यह देखो 4.3 × 10^-3 और तो ये जगह 4.3 मिली, क्योंकि ये वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं? एम्पीयर होते हैं, ठीक है? एक दिन की ठीक है यस ओके। तो ये आपने एक सिंपल ना डायोड के सर्किट को एनालाइज किया विद दी इन द सिचुएशन व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस। अब मैं इसी को ना कर देता हूँ रिवर्स बायस, उसमें देखते हैं कि डायोड के ऊपर क्या इफेक्ट है। मैं ये सर्किट को नहीं बता रहा, मैं इसको आगे यूज करूँगा। अभी मैं इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देती हूँ, ये नजर आ रहा सर्किट, यहाँ मैं लोग वोल्टेज अप्लाई करूँगा, ये वही 1 किलो ओम का रजिस्टर है और ये वही सिलिकॉन की डायोड है, और मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ वोल्टेज तो कितना है और इसमें करंट कितना है, ठीक है? तो कीप इन माइंड कि ये आप सर्किट है, इसमें डायोड क्या लगी हुई है, डायोड रिवर्स बायस हो चुकी है, क्योंकि इसके एनोड पे मैंने क्या लगा दिया, नेगेटिव, और कैथोड पे पॉजिटिव। ऊपर आप चेक करें तो यहाँ पे एनोड साइड पे क्या लगा हुआ था, पॉजिटिव, और कैथोड पे नेगेटिव, ठीक है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगेन 0 वोल्ट अप्लाई करूँगा, यहाँ पे 0 वोल्ट, तो डायोड पे वोल्टेज कितना होंगे और करंट कितना होगा? एनीवन? क्या सर, क्या 0 वोल्ट सप्लाई करें? जी जी सर, वो क्या कहते हैं, डायोड ऑन नहीं होगा, पोलैरिटी रिवर्स है, ऑन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये अनबायस्ड केस, ठीक है? इसमें वोल्टेज अभी अप्लाई नहीं की कुछ, 0 है। तो अनबायस्ड केस में आपको मैंने बताया था कि वोल्टेज क्या होंगे, डायोड के वोल्टेज 0 होंगे और करंट भी 0 होगा, ठीक है? अब ना यहाँ पे मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूँ 0.1। जी डायोड ऑन ही है, इसका मतलब डायोड के ऊपर वोल्टेज क्या होंगे और करंट कितना होगा? ये समझ लो आप यहाँ पे हो, इसके आप इस करेक्टरिस्टिक में आप इस तरफ हो, वोल्टेज रिवर्स कर रहे हो आप, और आप समझ लो यहाँ 0.1 आ रहे हैं, 0.1 आ रहा है, तो इसमें करंट कितना होगा डायोड में? करंट तो 0 रहेगा सर, ये 0.7 चाहिए ना हमें, 0.7 वोल्टेज चाहिए। नहीं, वो तो फॉरवर्ड में चाहिए ना, रिवर्स में तो 0.7 नहीं चाहिए। अच्छे से तो जब डायोड ऑन नहीं होगा तो ये ओपन सर्किट होगा, और ओपन सर्किट जब डायोड में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये ओपन सर्किट होगा, और ओपन सर्किट के ऊपर जो वोल्टेज है वो सारे के सारे ओपन सर्किट पे आ जाएंगे, तो इसके ऊपर वोल्टेज कितना आ जाएंगे, 0.1 वोल्ट, ठीक है? और करंट क्या होगा, 0, ठीक है? तो जब भी डायोड की वोल्टेज रिवर्स होंगे लेस देन 0, तो डायोड क्या होगा, ओपन सर्किट, और इसमें से करंट क्या होगा, आईडी
किसी भी डायरेक्शन में, वोल्टेज आपने इस पोलैरिटी पर लगाई हुई है तो करंट जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको भी हाईलाइट कर दें, दिस इज फॉर द केस व्हेन वोल्टेज इज नेगेटिव एंड द डायोड वुड बी रिवर्स बायस, एंड व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस वट एवर द वोल्टेज यू अप्लाइड, चाहे 0.1 लगा लें यहाँ पे तब भी डायोड ऑफ रहेगा, यहाँ पे 5 वोल्ट लगा लें तब भी डायोड ऑफ रहेगा, यहाँ पे 50 वोल्ट लगा रहे हैं तब भी डायोड ऑफ रहेगा। तो रिवर्स में जो वोल्टेज बेशक बढ़ाते जाए करंट क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। तो करंट में हमेशा जीरो ही रहना वट एवर दी वोल्टेज, ठीक है। यहाँ 0.1 हो गया, डायोड ऑफ है तो ऑफ केस में इस पर 0.1 वोल्ट आ जाएंगे, यहाँ पर मैं बेशक 0.7 भी लगा दूँ तो 0.7 वोल्ट्स होंगे तो डायोड में से करंट जीरो होगा, इसके ऊपर वोल्टेज क्या होंगे 0.7। अगर मैं यहाँ 0.8 लगा दूँ तो डायोड में से कितना करंट फ्लो करेगा, जीरो। डायोड के ऊपर वोल्टेज कितना होंगे 0.8, और यहाँ पर अगर मैं 5 वोल्ट लगा लूँ अब डायोड में से कितना करंट फ्लो करेगा, और जब यहाँ 5 वोल्ट लगाएंगे तो डायोड में से कितना करंट फ्लो करेगा सर, रिवर्स बायस में। बेटा देखो ना, पोलैरिटी देखो ना, बार बार पूछ रहे रिवर्स बायस में, मैंने देखो सर फिर जीरो ही क्योंकि वो डायोड ऑन ही नहीं होना, वो भाई ना जीरो ही रहेगा बस, ये बताना बस कि सर 5 वोल्ट है क्योंकि डायोड रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस में तो करंट फ्लो ही नहीं करता, करंट जीरो रहेगा। वोल्टेज कितने आएंगे, वही सारे वोल्टेज 5 वोल्ट सारे डायोड के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ 5 वोल्ट आ जाएंगे, यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ कितना आ जाएंगे 10 वोल्ट आ जाएंगे, यहाँ 50 वोल्ट है तो यहाँ कितना आ जाएंगे 50, क्योंकि करंट इसमें क्या है रिवर्स में ऑफ, ठीक है। तो करंट हमेशा जीरो रहेगा, वोल्टेज इसके कितने होंगे जो भी वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। यस ओके, ये मैंने लिखा है। अब एक मैं ये सर्किट दे रहा हूँ आपको जिसमें कि आपके पास ये 5 वोल्ट लगे हुए हैं, यहाँ पे सर्किट में 5 वोल्ट लगे हुए हैं और डायोड पावर्ड बाय था और ऑन स्टेट में, तो आपने कहा पावर बायस है ऑन हो चुका है, ऑन केस में यहाँ वोल्टेज आएंगे 0.7 वोल्ट्स, और इसके बाद जब जो करंट होगा वह कुछ भी 4.3 मिली एम्पीयर, आई बी कितना होगा 4.3 मिली एम्पीयर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मुझे बताओ कि जब डायोड को आपने ऑन किया तो ऑन केस में एक्चुअल में एक्चुअल जो डायोड है उसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वी डी वो कितना होगा, एक्चुअल वैल्यूज की क्या होगी, जो टू बी मोर प्रिसाइज प्रिसाइज अगर मैं इसको प्रिसीजन में देखना चाहूँ, कुछ एप्लीकेशन में कुछ जगहों पे ना आपको प्रिसाइजली बताना पड़ता है कि इसके ऊपर कितने, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट्स में भी ना वोल्टेज अगर हो तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमने रफली उसको 0.7 कहा था, यहाँ पे हमने उसको अप्रॉक्सीमेट किया था, तो कर्व को अप्रॉक्सीमेट किया था 0.7 के ऊपर, और मैं बार बार यहाँ पे ना एक ये सिंबल यूज़ कर रहा हूँ तो दिस इज फॉर अप्रॉक्सीमेशन, लेकिन एक्चुअल में तो ये डायोड बिहेव इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से ऊपर इसके ऊपर। तो जब ये वोल्टेज 0.7 जब ये
डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो इसके ऊपर वोल्टेज इस पॉइंट के ऊपर देखो तो हो सकता है 0.68 हो, इस पॉइंट के ऊपर देखो तो 0.7 हो, इस पॉइंट पे देखो तो हो सकता है 0.8 हो। जो बिल्कुल क्लास के स्टार्ट में मैंने आपको इस कर्व के ऊपर भी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मूव करके बताया था कि आप बताओ यहाँ का क्या वैल्यू है, फिर मैंने पूछा था यहाँ क्या वैल्यू है, फिर मैंने कहा था यहाँ क्या वैल्यू है, फिर आपने देखा था कि वो जो वैल्यू थी वो इस रेंज के अंदर की वैल्यू आ रही थी 0.68 वोल्ट से लेके 0.85 वोल्ट, ठीक है, इस रेंज के ऊपर एक डायोड के ऊपर वैल्यू चेंज हो रही थी। तो मैं अगर प्रिसाइजली देखना चाहूँ कि डायोड के ऊपर एक्चुअल में जब इसको फॉरवर्ड बायस किया तो क्या वैल्यू आई थी उसके ऊपर, क्या वो उस वक्त 0.75 थी, 0.8 थी, 0.85 थी, तो जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप वो क्या होगा प्रिसाइजली अगर मैं कंप्यूट करना चाहूँ, ठीक है, देन हाउ कैन आई कंप्यूट दैट। वेल सो दिस इज द नेक्स्ट एजेंडा जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा और इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और देन वी विल सी के वी कैन फाइंड दी वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, जो इसके ऊपर एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप आएगा टू बी मोर प्रिसाइज, कितना उसका प्रिसाइजली कितना ड्रॉप आएगा उसके ऊपर वो हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं फॉर द डायोड सर्किट्स। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। जी तो नेक्स्ट क्लास आपकी अब फ्राइडे को 11 बजे, 11:30 बजे आर यू देयर? जी जी सर इतनी तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है, समझ आया कुछ? जी सर आज ठीक है, जो भी चीजें अभी आपकी रह गई हैं उसको फिर आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं, ठीक है, जी सर अगर आपका, तो मैं साथ आपको रिकमेंड करूँगा कि इसका जो चैप्टर है उसको आप लाइन बाय लाइन स्टडी करें और किसी चीज़ को मिस ना कीजिए, पूरा चैप्टर को आप वर्ड बाय वर्ड कंसेप्ट जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कंसेप्ट आपके आगे ट्रांजिस्टर्स में भी यूज होंगे। ओके सो अप्लाई योर सेल्फ एंड इसमें टाइम लगाएं, ठीक है, और टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। मैं आज या कल मैं आज असाइनमेंट दे दूंगा आपको वीकेंड के लिए, ठीक है, चैप्टर वन, और नेक्स्ट वीक भी ऑनलाइन आ चुके हैं तो इसमें क्विज तो नहीं हो सकेगा, उससे नेक्स्ट वीक जब आप कैंपस में आएंगे तो फिर हम क्विज भी इंशाल्लाह आपको आके देख करेंगे, ठीक है। ओके डन, अल्लाह हाफिज, बाय। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।